एक सभा में गौतम बुद्ध ने सुनाई चार पत्नियों की कहानी। उन्होंने कहा, एक आदमी की चार पत्नियां थी। समय बीतने पर वो व्यक्ति बीमार पड़ गया और उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हें दिन रात प्यार किया है, जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखा है। अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी जहाँ मैं अपनी मृत्यु के बाद जाऊँ? उसे उम्मीद थी कि उसकी पहली पत्नी का जवाब हाँ ही होगा, लेकिन पत्नी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्रेम करते थे और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है, अलविदा मेरे प्रिय। यह सुन उस व्यक्ति को बहुत धक्का लगा। इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और मौत के बाद के सफर पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा, प्यारी पत्नी, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें कितना प्रेम किया है। कभी कभी मुझे डर लगता था कि तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन मैंने तुम्हें दृढ़ता से थामे रखा। तुम मेरे साथ दूसरे सफर पर चलो ना। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर भला मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए ही प्रेम किया है। यह सुन उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ हुई। मृत्यु शैया पर लेटे हुए पुरुष ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए भी दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी। इस तरह तीसरी पत्नी ने भी उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। जब तीनों पत्नियों ने उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुसरण करने से इनकार कर दिया, तब उस व्यक्ति को याद आया कि उसकी एक पत्नी और है, उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने कभी ज्यादा परवाह नहीं की। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा एक दासी की तरह व्यवहार किया था और हमेशा उसे दुत्कारा था। पुरुष ने सोचा कि अगर वह अब उसे अंतिम सफर पर साथ चलने को कहता है तो वो निश्चित रूप से मना कर देगी, मगर चौथी पत्नी ने अपने पति के अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया। उसने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं तुम्हारे साथ अवश्य जाऊंगी, कुछ भी हो मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। यह सुन वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि जिसे मैंने कभी मान सम्मान नहीं दिया, आज वही मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई। गौतम बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, चार पत्नियों का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक पुरुष और महिला की चार पत्नियां या पति होते हैं और हर एक का खास मतलब है। पहली पत्नी या साथी हमारा शरीर होता है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं, उसे धोते रगड़ते हैं और सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। हम अपने शरीर को भोजन देते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी पहली पत्नी को हम अगली दुनिया में अपने साथ नहीं ले जा सकते। फिर बुद्ध ने कहा, दूसरी पत्नी हमारी भौतिक चीजों, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीजों से काफी जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की होती है। हम इन चीजों को अपने स्वार्थ के कारण अपने साथ हमेशा रखना चाहते हैं, मगर हमने हमारे जीवन में जो भी भौतिक चीजें इकट्ठा की होती है, उसे हमें छोड़ना ही पड़ता है। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ पर हमारे नाते रिश्तेदारों से है। यह हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह है। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक ही आ सकते हैं। वो हमारे जाने पर दुखी और उदास होते हैं, मगर मृत्यु के बाद कोई भी हमारा साथ नहीं दे सकता। फिर बुद्ध ने कहा, चौथी पत्नी
हमारे कर्म हैं। हम अपने कर्मों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूंगी। बुद्ध की इस कहानी का सार यह है कि मृत्यु उपरांत हमारा शरीर, भौतिक संसाधन, प्रतिष्ठा, नाते, रिश्तेदार सब यहीं रह जाते हैं। एकमात्र हमारे कर्म ही मृत्यु के बाद हमारे साथ जाते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।